व्हाट्सअप गाइज, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज ये वाली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स की ऑल टाइम फ्रेंड्स ओवरसीज की प्लेइंग 11 मैं बनाऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं होगा, ओनली ओवरसीज प्लेयर यहाँ पर होंगे। और फ्रेंड्स विश्वास कीजिए, इस टीम के पास इतने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स रह चुके हैं ना, फिर भी फ्रेंड्स ये टीम एक भी बार जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। फ्रेंड्स ओपनिंग पर मैंने रखा है डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर को। जी हाँ फ्रेंड्स, डेविड वार्नर वहाँ पर रहेंगे जो कि फ्रेंड्स हमें इस टीम की जो है वो कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स क्विंटन डिकॉक जो कि फ्रेंड्स मेरी इस टीम के होंगे, ऑल टाइम दिल्ली कैपिटल्स की टीम के होंगे विकेट कीपर। आप चाहे दिल्ली कैपिटल्स बोल दो चाहे दिल्ली डेयर डेविल्स बोल दो, एक ही बात है। नंबर तीन पर फ्रेंड्स मैंने रखा है ग्लेन मैक्सवेल को जो कि तकड़ी पावर हिटिंग करेंगे, आपको बॉलिंग के ऑप्शन देंगे। दिल्ली डेयर डेविल्स ने ग्लेन मैक्सवेल का भी जो है वो प्रॉपर से यूज़ नहीं किया, 2012 में भी इनके पास थे, उसके बाद दोबारा अभी रिसेंटली भी इन्होंने 2018 में उन्हें लिया था, बाद में फिर उनको जो है वो रिलीज कर दिया। नंबर चार पर फ्रेंड्स मैंने रखा है अद्भुत डिविलियर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, ए बी डिविलियर्स दिल्ली की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और फ्रेंड्स आप सोच के देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर वार्नर डिविलियर्स, ये कोई प्लेयर ऐसे थोड़ी होते हैं कि आप लो और अगले साल रिलीज कर दो। नंबर पाँच पर फ्रेंड्स मैंने रखा है केविन पीटरसन को। फ्रेंड्स कितनी इनकी आक्रामक जो है वो बैटिंग लाइनअप लग रही है, मैक्सवेल डिविलियर्स पीटरसन। नंबर छः पर फ्रेंड्स वहाँ पर आएंगे द मॉन्स्टर आंद्रे अंदर गेंद बाहर। फ्रेंड्स आंद्रे अंदर गेंद बाहर नहीं, इन्होंने तो आंद्रे को ही बाहर कर दिया। क्या किया दिल्ली कैपिटल्स आपने, मैक्सवेल डिविलियर्स रसल वार्नर ओ माय गॉड क्विंटन डिकॉक। नंबर सात की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर मैंने रखा है मार्कस टॉइनिस को। लकीली ये इनकी टीम के लिए अभी भी खेल रहे हैं और फ्रेंड्स होपफुली ये इन्हें रिटेन करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं नीचे आकर। नंबर आठ पर फ्रेंड्स मैंने रखा है कोगिसो रूथलेस रबाडा को, द यॉर्कर किंग विल बी देयर। और फ्रेंड्स ये रबाडा को भी अभी रिलीज नहीं करेंगे, रबाडा भी डेफिनेटली रिटेन होंगे इस टीम के लिए। नंबर नौ की बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट। जी हां फ्रेंड्स, ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस जाने से पहले दिल्ली की टीम का हिस्सा थे, कितने बढ़िया बढ़िया प्लेयर हैं इनके पास फ्रेंड्स आप लोग सोच नहीं सकते। इमरान ताहिर एज अ स्पिनर खेलेंगे नंबर 10 पर इस टीम में। और फ्रेंड्स नंबर 11 पर मैंने रखा है, यहां पर मेरे पास फ्रेंड्स नंबर 11 पर बहुत सारे ऑप्शंस थे, पैट कमिंस के साथ मैं जाऊं, क्रिस मॉरिस, एनिक नोकिया, लेकिन फ्रेंड्स मैं गया ग्लेन मैकग्राथ के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, द दिग्गज बॉलर ग्लेन मैकग्राथ भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिल्ली की ऑल टाइम ओवरसीज 11 दिख रही है फ्रेंड्स, वार्नर, क्विंटन डिकॉक, मैक्सवेल डिविलियर्स, केविन पीटरसन, आंद्रे रसल, स्टॉइनिस रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर, ग्लेन मैकग्राथ। फ्रेंड्स इतने दिग्गज प्लेयर इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। फ्रेंड्स कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं रखना चाहता था रख नहीं पाया, तिलकरत्न, दिलशान, एरन फिंच, स्टीव स्मिथ, क्रिस वोक, संदीप लामिशान, जेसन रॉय, कोल्टन नायल, एनरिक नोकिया, क्रिस मॉरिस, पैट कमिंस, फ्रेंड्स रॉस टेलर, कितने बड़े बड़े प्लेयर इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, फिर भी फ्रेंड्स दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है ना एक भी बार वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये फ्रेंड्स अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। अभी डेविड वार्नर, मैक्सवेल डिविलियर्स, रसल, ये प्लेयर कोई फ्रेंड्स रिलीज करने के लिए थोड़ी होते हैं, ट्रेंट बोल्ट जैसे प्लेयर को आपने जाने दिया। तो फ्रेंड्स मेरी आपको ये ऑल टाइम 11 कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और फ्रेंड्स आप अपनी टीम बनाकर भी नीचे छोड़ सकते हो। और मेरी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।